नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, पटवारी भर्ती 2019 से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आपके भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर यहाँ योग्यता और सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया गया दोस्तों, भारी बदलाव और बड़ा बदलाव इसे आप मान सकते हैं। दोस्तों, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाली, क्या क्या बड़े बदलाव किए गए, आपके 3,835 पदों पर ये बंपर भर्ती होने वाली है। जिलों वाइज इसकी लिस्ट भी आ चुकी है। दोस्तों, भर्ती होने का बड़ा मौका है आपको। दोस्तों, मैं जिले वाइज आपको भर्ती के बारे में भी बताने वाला हूं कि कौन से जिले में कितनी इस बार वैकेंसी है, साथ में योग्यता में क्या बड़ा चेंजेज किया है, सिलेबस में इस बार क्या बड़ा चेंजेज कर दिया गया। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पटवारी भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी ऑफिशियली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 की, अलग अलग जिले वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई, कौन से जिले में कितनी भर्ती है, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव किया गया, साथ में और आपके एज क्वालिफिकेशन में क्या बड़ा बदलाव किया गया, नहीं किया गया है, योग्यता में बड़ा बदलाव किया गया है, साथ में दोस्तों आपकी कितनी एज होनी चाहिए, सारी बातें दोस्तों वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों टोटल जिले वाइज आपकी कितनी कितनी वैकेंसी, आपके जिले में कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल 135 पद है, अलवर में 64 पद आपके हैं, बारा में आपके 68 पद है और बाड़मेर में 223 पोस्ट है, भरतपुर में 135 पोस्ट है, भीलवाड़ा में 93 पोस्ट है और बीकानेर में आपके 80 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ बात करें बूंदी की तो बूंदी में आपके 54 पोस्ट है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में आपके 53 पोस्ट है, चूरू में 61 पोस्ट है, दौसा में 14 पोस्ट आई है, धौलपुर में 60 पोस्ट है, हनुमानगढ़ में यहाँ पर आपके 69 पोस्ट है, जयपुर 89 पोस्ट है और जैसलमेर में आपके 26 पोस्ट है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो जालौर में आप यहाँ देख सकते हो, जालौर में आपके 62 मतलब 62 पोस्ट है, झालावाड़ में आपके 64 पोस्ट है, झुंझुनू में 23 पोस्ट है, जोधपुर में 93 पोस्ट है और करौली में 143 पोस्ट है, कोटा में 39 पोस्ट है और नागौर में 97 और पाली में यहाँ पर 85 पोस्ट है, वो आपके इस बार यहाँ पर आई है। उसके पाली के बाद में राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद में आपके 135 वैकेंसी है और श्रीगंगानगर में आपके 79 वैकेंसी है, सीकर में भी 89 वैकेंसी है और सिरोही में आपके नॉन टीएसपी एरिया में 114 वैकेंसी है, सवाई माधोपुर में 111 वैकेंसी और टोंक में 75 वैकेंसी है, और उदयपुर की बात करें या नॉन टीएसपी एरिया की तो यहां पर आपके 81 पोस्ट है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया में टोटल वैकेंसी आपके 2494 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया की अगर यहां बात करें तो बांसवाड़ा में आपके 34 वैकेंसी है, डूंगरपुर में आपके 145 वैकेंसी है और प्रतापगढ़ में इस बार 66 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया की टोटल वैकेंसी 245 है और ग्रैंड आपकी टोटल वैकेंसी है यहां की 2739 पोस्ट है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए अगर आयु की बात करें तो आप यहां आयु देख सकते हैं, पटवारी भर्ती में आपकी एज अगर 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी दोस्तों एज लिमिट रिलेक्शन भी आपको मिलने वाला है, एज में छूट भी यहाँ पर मिलने वाली है, एस सी एस टी और ओबीसी को यहाँ पर आपको एज में भी छूट दी जाने वाली है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेबस में इस बार का क्या बड़ा बदलाव किया गया, तो दोस्तों सिलेबस में किसी प्रकार का बड़ा बदलाव नहीं किया गया लेकिन योग्यता में बड़ा बदलाव इस बार कर दिया गया है। तो दोस्तों बता देता हूँ योग्यता में क्या बड़ा बदलाव किया गया, इतने दिन आपके पटवारी की भर्ती थी उसकी योग्यता केवल 12th पास थी लेकिन दोस्तों इस बार आपकी है वो ग्रेजुएशन कर दी गई, अगर आप ग्रेजुएट हो तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप 12th पास हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते पटवारी का। उसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, इतने दिन क्या था दोस्तों आपके पास में अगर RKCL का डिप्लोमा है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते थे लेकिन अब एक बड़ा बदलाव इस बार कर दिया गया है, कंप्यूटर डिप्लोमा से संबंधित आपके पास में किसी भी प्रकार का अगर आपके पास में डिप्लोमा है RKCL की कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ओ लेवल है या PGDCA कुछ भी है तो आपका फॉर्म है वो आप भर सकते हो, आपका वो चल जाएगा, ये भी बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी, दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और पटवारी भर्ती 2019 से रिलेटेड पल की अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।